In the last lecture, we were discussing say velocity taking turn. Sakshi is asking me, sir, वो Coriolis क्या है? बेटा वो Coriolis वगैरह सब सब discussion होगा, ठीक है? We'll discuss about everything, but let us first focus on the topic at hand, and that is vehicle taking turn on a road. जो vehicle road पे turn लेता है, ठीक है? Aditi is asking me कि sir YouTube का link दे दो. बेटा मुझे लगता नहीं वैसे YouTube के लिंक की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अगर तुमको चाहिए तो मैं दे देता हूँ. मुझे यहाँ से YouTube पे लाइव जाना पड़ेगा और उसकी लिंक मैं आप लोगों को दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे. लेकिन क्वालिटी मुझे नहीं लगता क्वालिटी में कुछ ज़्यादा फर्क आएगा. ओके तो देखो, वाइल व्हीकल टेकिंग टर्न ऑन ए रोड, जब व्हीकल रोड पे टर्न लेता है तो उसके ऊपर का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो रास्ते से उस गाड़ी को स्किड करने की कोशिश करता है. लेकिन फ्रिक्शन कम्स टू द रेस्क्यू. फ्रिक्शन क्या करता है कि गाड़ी को स्किड होने नहीं देता. सही बात है. अब ये जो फ्रिक्शन है जो गाड़ी को स्किड नहीं होने देता, इस फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटेड है, ठीक है? फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो लिमिटेड है. अब मैंने YouTube की लिंक डाल दी है, ठीक है? और थोड़ा सा वेट करो, ब्लर ब्लर कुछ नहीं होगा. कनेक्शन थोड़ा सा प्रॉपरली एस्टेब्लिश होने दो, नथिंग इज गोइंग टू बी ब्लर. ओके तनिष्क, आपने कुछ मिस नहीं किया बेटा, लेक्चर मैंने अभी अभी शुरू किया है, ठीक है? तो साक्षी, आर यू देयर? हाँ साक्षी बेटा मुझे बताओ, जब व्हीकल ऐसा ऐसा रोड है और इस रोड पे ये जो व्हीकल है ये व्हीकल टर्न ले रहा है, और अज्यूम करो कि व्हीकल की वेलोसिटी वी जो है वो कांस्टेंट है और सर्कुलर रोड का रेडियस है लेटस से आर, तो मुझे ये बताओ बेटा कि इस व्हीकल के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा? अरे मैंने लिखा हुआ कुछ नहीं दिख रहा, जस्ट अ सेकेंड. मैंने आईपैड को कनेक्ट ही नहीं किया, कैसे दिखेगा? डैम इट, अब भी कनेक्ट करता हूँ, एक सेकेंड, इट विल टेक ओनली वन सेकेंड. ओके कनेक्ट हो जाओ भाई. हाँ हाँ आप दिख रहा है. ओके व्हीकल टेकिंग टर्न ऑन ए रोड, तो एक व्हीकल रोड पे टर्न ले रहा है, ठीक है? व्हीकल टेकिंग टर्न ऑन ए रोड, तो इसके ऊपर लगने वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो कितना होगा वो मुझे बताओ. व्हीकल का मास लेटस से एम है, व्हीकल का मास है लेटस से एम. ओके तो मुझे ये बताओ कि व्हीकल के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा. सेंट्रीफ्यूगल, साक्षी कितना लगेगा बेटा? मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नहीं समझा? ऐसा मत बोलो यार, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो समझा होगा. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो ऐसे अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है ना ऐसे, और उसकी वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर बाय आर, या फिर आप एम आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो. लेकिन यहाँ पे ओमेगा नहीं, ओमेगा पे नहीं जा रहे क्योंकि हमें स्पीड पता है ना, इसलिए तो एम वी स्क्वायर बाय आर, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से क्या होगा कि गाड़ी, ये जो व्हीकल है ये इस साइड में स्किड हो सकता है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप खुद भी फील कर सकते हो अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो. सो इफ यू आर इनसाइड द कार यू विल ऑल्सो फील द सेम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. आपको ऐसे लगेगा कि इधर कोई धक्का दे रहा है, ऐसे गाड़ी शार्प टर्न लिया गाड़ी ने तो, राइट? तो गाड़ी को स्किड होने से बचाने वाला जो फोर्स है ना वो फोर्स है फ्रिक्शन. फ्रिक्शन यहाँ पे आएगा, और फ्रिक्शन आएगा टूवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल के अपोजिट. लेकिन फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, फ्रिक्शन उसके ऊपर जा नहीं सकता. तो मुझे बताओ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं हम? क्या होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन?
वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है, कितना होता है, कितना होता वो लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू म्यू एन होता, हाँ म्यू एन होता है ना, जी म्यू एन होता है ना बेटा, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना सर, एन इज होता इक्वल टू एम जी, इसलिए मैंने म्यू एम जी बोल दिया। है? हाँ ठीक है, फिर वो म्यू एम जी हो जाएगा इस केस में, क्योंकि इस केस में नॉर्मल रिएक्शन एम जी है इसलिए। ठीक है ओके, अभी ये जो म्यू एम जी फ्रिक्शनल फोर्स है ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा तो आ नहीं सकता। तो अगर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गलती से भी, अगर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गलती से भी इससे ज्यादा हो गया तो गाड़ी स्किड हो जाएगी ना बेटा, रास्ते से गाड़ी इधर फिसल जाएगी ना, सही बोल रहा हूं क्या मैं? हाँ राइट, तो अगर आप चाहते हो कि गाड़ी स्किड ना हो, आप चाहते हो कि सेफ ड्राइविंग हो, तो फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा या तो ज्यादा या फिर इक्वल होनी चाहिए एम वी स्क्वायर बाय आर से, या फिर ये बोलो कि एम वी स्क्वायर बाय आर सुडो फोर्स फ्रिक्शन से कम होना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सुडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रिक्शन से कम रहेगा तब तक आप सेफ हो, फ्रिक्शन आपके गाड़ी को फिसलने नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे एम और एम कैंसिल कर लो, वी स्क्वायर बाय आर इज लेस देन और इक्वल टू म्यू जी, देन इट विल बिकम वी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी। मतलब क्या, वी शुड बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। जी तो ये अपना मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी आएगा, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी व्हाइल टेकिंग टर्न ऑन ए रोड, व्हाइल टेकिंग टर्न ऑन ए रोड, रोड पे जब आप टर्न लेते हो तो ये मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी है। इससे ज्यादा वेलोसिटी अगर करने जाओगे तो गाड़ी स्किड हो जाएगी, फिसल जाएगी रास्ते से। मुद्दा समझ में आ गया, पॉइंट जी समझ में आ गया बेटा? ठीक है, रोहन इज आस्किंग मी सर, सेंट्रिपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा इक्वल होता है क्या? हाँ बेटा, सेंट्रिपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा इक्वल होता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तभी एक्सपीरियंस कर पाओगे आप अगर आप खुद सर्कुलर मोशन में हो। अगर आप खुद सर्कुलर मोशन में नहीं हो तो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थोड़ी एक्सपीरियंस करोगे, आप नहीं करोगे। ठीक है, जैसे आज मुझे, हाँ बेटा यू वॉन्ट टू से मतलब समथिंग? अपन ऐसे बोल सकते क्या कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही मतलब एक्सपीरियंस किया जाता है? हाँ, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स और सर्कुलर मोशन की जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो नॉन इनर्शियल ही तो है, क्योंकि सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन है कि नहीं? हाँ, तो अभी आपको पॉइंट समझ में आ गया। मुझे आज एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था, इट वाज अ गुड क्वेश्चन, तो मैं वो क्वेश्चन आपको बोलता हूँ। क्वेश्चन ऐसा था कि लेट अस से ये व्हीकल है, और व्हीकल के अंदर एक पेंडुलम है, देयर इज अ पेंडुलम इनसाइड अ व्हीकल। ठीक है, ऐसा पेंडुलम है व्हीकल के अंदर, हाँ, और व्हीकल इज टेकिंग टर्न ऑन ए रोड ऑफ रेडियस आर, और इसका रेडियस आर है और इसकी स्पीड वी है। ओके, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो इसके ऊपर भी लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये जो पेंडुलम है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा ना। तो अगर ये टिल्ट हो जाएगा, समृद्धि ने ये क्वेश्चन पूछा था, राइट, तो ये टिल्ट हो जाएगा, तो ये टिल्टिंग का एंगल कितना आएगा ये बताओ। फाइंड द एंगल थीटा, ऐसा क्वेश्चन था। आपने 12th के रिवीजन लेक्चर्स में लिया है ना? हाँ शायद मैंने लिया होगा 12th के रिवीजन लेक्चर में, शायद लिया होगा, मुझे अभी याद नहीं है। तो अगर इसमें अगर पूछ लिया कि यहाँ पे थीटा एंगल बताओ, तो यहाँ पे भी आप सेम लॉजिक लगा सकते हो। ये जो पेंडुलम है ना, ये पेंडुलम के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इधर एम वी स्क्वायर बाय आर, अज्यूमिंग कि पेंडुलम का जो बॉब है उसका मास एम है, उसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा एम जी, और ये जो स्ट्रिंग है पेंडुलम की स्ट्रिंग में टेंशन आएगा। तो इमेजिन करो कि आप खुद व्हीकल के अंदर हो, तो आपको क्या दिखेगा, आपको ऐसा दिखेगा कि ये जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, और इसके ऊपर इधर फोर्स लग रहा है एम वी स्क्वायर बाय आर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है एम जी, और टेंशन लग रहा है इधर, ऐसे फोर्सेस दिखेंगे आपको।
ठीक है ओके। अभी हमें ये एंगल फाइंड करना है ना, ये वाला, तो ये एंगल फाइंड करने के लिए ये एंगल थीटा होगा। तो आप क्या करो, अभी टेंशन को रिजॉल्व कर लो। तो इधर आएगा टी कॉस थीटा और इधर आएगा टी साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करो, वर्टिकल फोर्स बैलेंस करो, और क्योंकि आप सर्कुलर मोशन के अंदर हो, आप उस व्हीकल के अंदर हो, तो आपके लिए तो ये रेस्ट कंडीशन में है, तो आपके लिए तो फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। तो आप फोर्सेस बैलेंस करोगे तो क्या आएगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये आया इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, और फिर इक्वेशन नंबर वन को इक्वेशन नंबर टू से डिवाइड करो। डिवाइड इक्वेशन नंबर वन बाय टू, डिवाइड करोगे तो टी टी कैंसिल, साइन बाय कॉस इज टैन थीटा, और यहाँ पे एम एम कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने के बाद, वी स्क्वायर बाय आर जी आ जाएगा। तो इससे थीटा आ जाएगा टैन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर जी। समझ में आया आप लोगों को, एवरीबडी अंडरस्टूड दिस, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर जी। ओके, अभी अगले मुद्दे पे चलते हैं, लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये हो गया था अपना, ये एक एग्जाम्पल हो गया, मैंने ऐसे ही दे दिया एग्जाम्पल, समृद्धि ने आज पूछा था तो मुझे याद आ गया एकदम से। अब ये जो व्हीकल टर्न ले रहा है ना रोड पे, अभी इस चीज पे ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब व्हीकल रोड पे टर्न ले रहा है तो आप हमेशा फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि बारिश के दिनों में पानी गिरेगा रास्ते पे तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कम हो जाएगा, फिर म्यू कम हो जाएगा, तो फिर भाई जो सेफ वेलोसिटी है जो कि कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट म्यू आर जी, वो भी कम हो जाएगी। एग्जाम में कभी कभी इस फॉर्मूले के बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अगर 0.09 है, 0.09 काफ़ी कम हो गया, 0.8 ले लो सपोज, 0.8 है एंड आर इज इक्वल टू 100 मीटर है, देन फाइंड द सेफ वेलोसिटी। तो ये वाले क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करने के बाद अपने आप आंसर आ जाएगा। इसमें वी इज इक्वल टू अंडर रूट 0.8 इंटू 100 इंटू 10, मैंने म्यू पुट किया, आर पुट किया, जी पुट किया, ये आ जाएगा अंडर रूट 800, दैट इज 400 इंटू 2, 20√2 मीटर पर सेकेंड। ये मैक्सिमम सेल्फ वेलोसिटी आपकी, आप इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, लेकिन आप हमेशा म्यू पे डिपेंड नहीं कर सकते ना। अगर म्यू कम हो गया तो फिर क्या करोगे भाई, अगर म्यू कम हो गया तो फिर क्या करोगे, अगर लेट अस से म्यू 0.8 था, बारिश हो गई, पानी आ गया, और म्यू की वैल्यू 0.8 से कम होके 0.4 पे चली गई, 0.2 पे चली गई, तो आपकी सेल्फ वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, है कि नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप रिस्क नहीं ले सकते हमेशा, जैसे फॉर एग्जाम्पल घाट का रास्ता है, ठीक है, घाटा का रास्ता है समझो, ठीक है, ये ऐसे रास्ते मैंने बहुत कॉमनली देखे यहाँ पे, ऐसे टर्न ले रहे हो आप, क्योंकि मेरा कॉलेज हिमाचल में था तो आई स्टिल रिमेम्बर दीज रोड्स। मुझे तो अभी भी याद है मेरा पहला एक्सपीरियंस, जब मैं पहले गया था हिमाचल में, तो आई स्टिल रिमेम्बर, एक्चुअली मैं यहाँ से ट्रेन ली थी दिल्ली के लिए, और दिल्ली से फिर बस ली थी मनाली के लिए, तो मनाली के रास्ते में आता है मंडी, एक 1.5 घंटा पहले लग जाता है। तो हुआ क्या था कि मैं रात को 7-8 बजे की ट्रेन बस होगी दिल्ली से, बस में बैठ गया और सो गया, मतलब नींद लग गई मेरे को, खिड़की के साइड में बैठा था, नींद लग गई, और सुबह मेरी नींद नींद खुली तो धूप वगैरह आ रही थी, तो पहाड़ वगैरह दिख रहे थे और ठंड थी, हिमाचल है तो ठंड तो होगी, पहाड़ वगैरह तो बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को, पहाड़ वगैरह देख के मतलब एकदम नींद खुली और एकदम एकदम अच्छा लगा, एकदम मस्त। लेकिन फिर मैंने ऐसे खिड़की से नीचे देखा, जैसे मैंने खिड़की से नीचे देखा तो भाई, तो मतलब गड़बड़ हो गई। क्या हो गया कि बस थी ऐसे, ठीक है, और ये बस का ये जो पहिया है, ये जो बस का पहिया, ये मतलब इसमें और इसमें डिस्टेंस सिर्फ 1 फीट का होगा ज्यादा से ज्यादा, मतलब ड्राइवर अगर 1 फीट भी साइड में ले ले बस को, तो बस सीधा नीचे खाई में, और इधर इतनी नीचे खाई थी ऐसे एकदम बिल्कुल। मैंने कहा भाई यहाँ पे तो बचने का कोई चांस ही नहीं है अगर ये 1 फीट भी, लेकिन क्या वो वहाँ के ड्राइवर थोड़े से स्किल्ड होते हैं, जैसे आपने यहाँ के अपने स्टेट ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर से,
लेकिन अपने यहाँ के ड्राइवर्स वहां पे गाड़ी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि रास्ता और गाड़ी की स्पीड कम ही रखनी पड़ती है वहां पे, 30-40 किलोमीटर पर आवर के ऊपर नहीं जा सकते आप यार। ऐसे घाट के रास्ते में सारे रास्ते ऐसे पहाड़ों पे, आपने कभी सुना भी होगा हिमाचल में ऐसे काफी बस के एक्सीडेंट्स होते हैं, बस खाई में गिर गई, बस खाई में गिर गई। अरे यार, एक तो विड्थ होती नहीं है रास्ते की, ज्यादा इतनी विड्थ कम होती है कि सामने से अगर दूसरी बस आ जाए तो दोनों एक साथ एक दूसरे को क्रॉस करके जा नहीं सकते। फिर एक को रिवर्स गियर डालना पड़ता है, जगह ढूंढनी पड़ती है कि जहां पे दोनों बस एडजस्ट हो सके, और फिर वो बस जाती है। तो यहाँ पे आप रिस्क नहीं ले सकते ना यार, यहाँ पे आप फ्रिक्शन पे डिपेंड करेंगे क्या? बताओ मुझे साक्षी, क्या आप यहाँ पे फ्रिक्शन पे डिपेंड करोगे ऐसे रास्ते पे पहाड़ों में? विल यू डिपेंड अपॉन फ्रिक्शन? नंदिनी, आर्या, ऋषिकेश, यहाँ पे फ्रिक्शन पे डिपेंड करना सही रहेगा? सही नहीं रहेगा ना। हाँ हाँ, गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे। अगर अचानक से किसी जगह पे बारिश में फ्रिक्शन कम है और गाड़ी स्किड हो गई, तो स्पीड कम नहीं हुई, तो यहाँ पे अपन अब हाँ बेटा, तो मतलब गाड़ी चलेंगी भी कैसा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रिक्शन बहुत कम हो गया, तो फ्रिक्शन अगर कम हो गया, जैसे किसी किसी जगह पे अगर लेट से बारिश वगैरह से पानी है और ये ऐसे सर्कल में घूम रहे ना गाड़ी, इसके ऊपर ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा MV² बाय R, तो यहाँ का फ्रिक्शन जो है वो प्रिवेंट करने नहीं आएगा ना उसको, फ्रिक्शन उसको बचाएगा नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन कम है तो गाड़ी फिर फिसल जाएगी ना। वेदिका जी, आस्किंग सर, आपने नीचे देखा तो क्या हो? क्या क्या डर लगा मेरे को बस, बाद में फिर यार इतनी बार आना जाना हुआ कि फिर बाद में आदत हो गई। ठीक है, फिर बारिश हैवी बारिश में यार देखो, डर तो जब भी तुम में से जो भी होगा हिमाचल में जब फर्स्ट टाइम जाओगे तो तुम भी ये चीज़ नोटिस करोगे कि डर तो लगता है यार फर्स्ट टाइम ट्रैवलर को, कि रास्ते इतने छोटे छोटे हैं, बस वो ड्राइवर चला रहा है 30 की स्पीड में, ऐसे लगता है जैसे मतलब रेस रेस कर रहे हैं क्या, ऐसे लगता है, क्योंकि रास्ते वैसे हैं पहाड़ों में, क्या कर सकते हैं। लेकिन ऐसे रास्तों को बनाते वक्त हम एक केयर लेते हैं, वी हैव अ टेक्निक। व्हाट वी डू इज, अपन क्या करते हैं, रास्ता रास्ते को बनाते टाइम पे ना आपको फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं करना ना, तो ये जो सर्कुलर रोड है आप इस रोड को ऐसे बनाओ कि इसका एक साइड थोड़ा सा ऊपर उठा लो, ऐसा रास्ता है ना, ऐसा फ्लैट रोड है, ऐसा फ्लैट रोड है, तो इसका एक साइड ऐसे ऊपर उठा लो, मतलब टेढ़ा कर दो रास्ते को, तो रास्ता ऐसा हो जाएगा, तो ये ऐसा दिखेगा रास्ता कुछ, इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा दिखेगा ये। आपने क्या कर दिया, थोड़ा रास्ते को थीटा एंगल से ऊपर उठा दिया, ऐसे थोड़ा सा ऊपर उठा दिया आपने थोड़ा सा। अब इस पे क्या होगा, जब इसके ऊपर गाड़ी चलेगी ना तो गाड़ी ऑलरेडी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी, ऐसे ऑलरेडी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी गाड़ी। अभी ऑलरेडी टेढ़ी होने से क्या होगा कि इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन तो परपेंडिकुलर होता है, ये नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट आएगा इधर और एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकल। अगर आपने थीटा एंगल से इसको उठा दिया तो ये एंगल थीटा है, तो इधर का कंपोनेंट आएगा एन कॉस थीटा, इधर का कंपोनेंट आएगा एन साइन थीटा। तो ये जो एन साइन थीटा है नॉर्मल रिएक्शन का इधर वाला कंपोनेंट, और ये आपका सर्कल का सेंटर है, तो यार ये जो एन साइन थीटा है इसकी रेडियस आर है, तो ये एन साइन थीटा अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने का काम करेगा, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना MV² बाय R, इसको बैलेंस करने का काम एन साइन थीटा करेगा, समझ रहे हो आप? अभी आप फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहे, फ्रिक्शन कम हो ज्यादा हो आपने भाई आपने इंतजाम कर लिया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कैसे करने का, थोड़े से रास्ते को ही थोड़ा सा टेढ़ा बना लिया, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से ऐसे ही बहुत ही ज्यादा टेढ़ा कर लिया, वरना गाड़ी वही पलट जाएगी। थोड़ा सा यार, थोड़ा सा मतलब 5-6-10 डिग्री तक, 5-6 डिग्री तक, तो बस वो जो मौत का कुआं वैसा जैसा होता है ना, ऐसे एकदम ऐसे गाड़ी नहीं चलती, थोड़ा सा करते हैं ऐसा, थोड़ा सा, ठीक है, ज्यादा नहीं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप बैलेंस करोगे, हॉरिजॉन्टल बैलेंस देखोगे, तो हॉरिजॉन्टल बैलेंस में देखो इक्वेशन आएगा आपका
एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर, ठीक है, और वर्टिकल बैलेंस करोगे तो आएगा एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करो तो साइन बाय कॉस हो जाएगा टैन थीटा, यहाँ पे एम एम कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा वी स्क्वायर बाय आर जी। आर जी को इधर लेके आ जाओ, आर जी टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा, ये आएगी आपकी सेफ वेलोसिटी, सेफ वेलोसिटी वाइल टेकिंग टर्न ऑन सर्कुलर रोड, सर्कुलर रोड पे टर्न लेते वक्त ये सेफ वेलोसिटी आएगी। और ये जो रोड को ऐसे ऊपर कर एक साइड से ऊपर करना होता है, इसको कहा जाता है बैंकिंग ऑफ रोड। क्या बोलते हैं इसको? बैंकिंग ऑफ रोड, रोड को बैंकिंग करना, थोड़ा सा ऊपर उठा लेना, ठीक है। अगर किसी को लिखना है तो भाई इसको लिख लो, इफ यू वॉन्ट टू राइट इट डाउन राइट इट डाउन, बैंकिंग ऑफ रोड। डायग्राम वगैरह ड्रॉ करनी है तो डायग्राम भी ड्रॉ कर लो, ठीक है। यहाँ पे आर क्या है बेटा? यहाँ पे आर जो है ना वो सर्कल का रेडियस है, जिस सर्कल में वो घूम रहा है, जिस सर्कल में वो घूम रहा है, ठीक है। गोपाली सेइंग सर मग बिकॉज ऑफ एंगल द व्हीकल पासिंग थ्रू इन अपोजिट डायरेक्शन ते दूसरी गाड़ी मुला प्रॉब्लम ही ना? नहीं बेटा, दूसरे गाड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उससे, दूसरे गाड़ी भी ऐसी ही चलेगी जैसे ये वाली चल रही है। ये बैंकिंग ऑफ रोड में ये सेफ वेलोसिटी होती है आपकी, ठीक है। इसके ऊपर अगर लेके जाओगे तो फिर यार, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। अब इतना सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहे, रोड इतना अच्छा बना रहे, फिर भी तुमको रैश ड्राइविंग करनी है तो फिर क्या क्या करे फिर, है कि नहीं? ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? इसलिए वो जो रोड के साइड में लिखा होता है ना कि पुढ़े घाट धोकादायक वळण आहे, गाड़ी सावकाश चालवा, त्याचं लक्ष ठेवायचं, कधी पण धोकादायक वळणावर गाड़ी सावकाश चालवायची। ओके ओके, चलो भाई आगे चलते। अभी देखो ये जो बैंकिंग ऑफ रोड है, भले ही आप बैंकिंग ऑफ रोड कर लो, इसमें रेडियस का भी काफी इंपॉर्टेंस है। ये रेडियस जो है ना ये भी मैटर करता है। अगर लेटर से लॉन्ग टर्न है, ऐसा बहुत लॉन्ग टर्न है और काफी ज्यादा रेडियस है टर्न की रेडियस, तो आपकी वेलोसिटी भी ज्यादा आएगी, तो आप ज्यादा स्पीड से टर्न ले सकते हो। लेकिन एकदम शार्प टर्न है, ऐसा एकदम शार्प है, ये देखो एकदम शार्प टर्न है, इसकी रेडियस काफी कम आएगी, तो एकदम शार्प टर्न आएगा तो यहाँ पे फिर स्पीड कम आएगी, क्योंकि आर कम है, तो ये आर कम आएगा तो वी कम आएगा। जब भी आप शार्प टर्न लेते हो ना, आप खुद जब गाड़ी चलाते हो तो शार्प टर्निंग पे स्पीड हमेशा कम होनी चाहिए। और अपन इंस्टिंक्टिवली ऐसा करते भी है, अपन खुद ब खुद करते भी ऐसा। अपन क्या करते हैं, जब भी टर्न लेते हैं ना, जैसे सामने टर्न दिखता है अपन गाड़ी की स्पीड कम कर लेते हैं, फिर बाद में स्पीड बढ़ाते हैं, तो इसमें रेडियस भी मैटर करती है। इसलिए जब भी रास्ता बनाया जाता है ना, रास्ता बनाते वक्त ये कोशिश की जाती है कि टर्निंग की रेडियस ज्यादा रहे ताकि एक्सीडेंट्स ना हो। ओके, ईशा इज सेइंग दैट मींस वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। नो बेटा, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आर, स्क्वेयर रूट है देखो वहां पे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर रूट ऑफ आर। सर, हाँ बेटा, कॉन्वोल्यूशन में मास का कुछ दिया नहीं है। मतलब मास इररिलेवेंट है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास। सही पॉइंट बोला तुमने, मास ऑफ द व्हीकल डज नॉट मैटर। सर पर ट्रक और कार की ज्यादा नहीं होती ना, तो नहीं, मास ऑफ द मास भी उसका। व्हीकल डज नॉट मैटर। ओके सर, बघ ना, डेरिवेशन मध्ये मास कुठेच येत नाही ना, म्हणजे शेवटी राहत नाही ना मास। तो रस्ते की जो सेफ वेलोसिटी है वो कार के लिए, ट्रक के लिए और साइकिल के लिए, तीनों के लिए सेम आएगी। ओके, मास अगर ऑफ द हम व्हीकल, सपोज करेंगे कि कार का फ्रिक्शन बहुत कम है तो कार स्लिप हो जाएगी, अगर नहीं, हम हाँ सपोज मतलब करेंगे फ्रिक्शन, कि कार, फ्रिक्शन मतलब तुम, अब फ्रिक्शन मतलब तुम म्यू के बात पे आ गया। म्यू कैसा होता है कि जो टायर रहते वो टायर पे भी डिपेंड करता है। अगर आपने बहुत दिनों से टायर चेंज नहीं किया, बहुत साल हो गए आपने टायर चेंज नहीं किए गाड़ी के, और टायर घिस चुके हैं गाड़ी के, ठीक है, अगर गाड़ी के टायर घिस चुके हैं तो फिर म्यू कम हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वो व्हीकल टू व्हीकल डिपेंड करेगा ना, किसी गाड़ी के नए टायर हैं उसका फ्रिक्शन, उसका ग्रिप अच्छा रहता है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अच्छा रहता है, वो
फ्रिक्शन मतलब वो ग्रिप अच्छा होने के लिए, वो तुमको याद है वो कि ऐड आती थी देखो सियाट टायर्स की, इंडिया में लोग कैसे भी चलते हैं तो टू व्हीलर वाला एकदम से ब्रेक मारता है ऐसे कि हमारे टायर्स की ग्रिप बहुत अच्छी है, यू माइट हैव सीन दैट ऐड। अच्छा चेतन को डेरिवेशन लिखना है, बेटर चेतन डेरिवेशन लिख लो भाई, चलो जिसको डेरिवेशन लिखना है जल्दी से लिख लो फटाफट। अभी मैं मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ, सपोज अपन ने रोड को टिल्ट करके रखा हुआ है तो रोड की ऑलरेडी टिल्टिंग है, मतलब बैंकिंग ऑफ रोड ऑलरेडी है, और फ्रिक्शन भी ऐसा तो नहीं है कि फ्रिक्शन डायरेक्टली जीरो ही हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन रहेगा यार। तो अगर बैंकिंग ऑफ रोड और फ्रिक्शन दोनों भी आपको हेल्प कर रहे हैं तो सेफ वेलोसिटी क्या आएगी? कार्तिकी बोल रही है कि सर, कार्तिका का क्या कहना है, सर म्यू एम जी प्लस यन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर आना चाहिए। बेटा कार्तिकी यहाँ पे मैंने फ्रिक्शन को निगलेक्ट किया ना बेटा, बैंकिंग ऑफ रोड में मैं फ्रिक्शन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करना चाहता था, आई डिड नॉट वॉन्ट टू डिपेंड अपॉन फ्रिक्शन, सो आई कंप्लीटली निगलेक्टेड द फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन बिल्कुल अनरिलायबल है। तो लेट अस से आप सिविल इंजीनियर हो और आपको ये कहा जाए, लेट अस से मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, ए रोड हैज टू बी डिजाइन, अ रोड हैज टू बी डिजाइन दैट हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 मीटर, 100 मीटर, द सेफ वेलोसिटी हैज टू बी लेट अस से 36 किलोमीटर पर आवर, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ बैंकिंग, ऐसा क्वेश्चन तुमको पूछ लिया, व्हाट शुड बी एंगल ऑफ बैंकिंग। तुम रोड डिजाइन कर रहे हो, तुम सिविल इंजीनियर हो लेट अस से, और तुमको कहा गया कि ऐसा एक रोड डिजाइन करना है, इस रोड का रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 मीटर है और 36 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी सेफ जानी चाहिए चाहे बारिश हो या ना हो। तो तुम कहोगे कि भाई हमें तो थोड़ा सर ने फिजिक्स पढ़ाया, सर ने बोला था कि थोड़ा सा रोड को टिल्ट बनाओ, तो यहाँ पे थोड़ा थीटा एंगल से टिल्ट करो रोड को, तो कितना एंगल से टिल्ट करने का ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्रथमेश, नंदिनी, आर्या, कोई बताओ मेरे को, हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? समबडी टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, हाँ राइट। तुम सेफ वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करो सीधा, सेफ वेलोसिटी होती है अंडर रूट आर जी टैन थीटा, अपन फ्रिक्शन को पूरा निगलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्या आएगा वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टैन थीटा, सो टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो सबसे पहले तो वी को किलोमीटर पर आवर से, हाँ मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 18 2 36, ये 10 आ गया, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर अपॉन आर इज 100, हाँ ये हो जाएगा 100, 100 कैंसिल, 1000 0.1 आ जाएगा, ये मतलब थीटा आ जाएगा टैन इनवर्स ऑफ 0.1। आपको पता है टैन इनवर्स ऑफ 0.1 की वैल्यू कितनी होती है? डू यू नो व्हाट इज टैन इनवर्स ऑफ 0.1? रुको मैं एक बार चेक करके देखता हूँ, टैन इनवर्स ऑफ, एक सेकेंड ना, टैन इनवर्स ऑफ 0.1, टैन इनवर्स ऑफ 0.1, अरे यहाँ पे मेरे को वैल्यू नहीं मिल रही, अपने को इसमें देखना पड़ेगा लॉग टेबल में देखना पड़ेगा, किसी के पास है क्या लॉग टेबल? यूट्यूब वालों को थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा यार, है पर कैसे देखते पता नहीं। कैसे देखते पता नहीं, अरे वो मतलब वैल्यू देखने की 0.1 और उसके साइड में कौन सा एंगल है वो देखने का। अच्छा ईशा ने ढूंढ निकाला 5.7 डिग्री, सो आई एम ट्रस्टिंग ईशा ऑन दिस, 5.7 डिग्री छोटा सा एंगल है, ज्यादा एंगल है क्या ये? नहीं,
5.7 डिग्री से टिल्ट करो, मतलब सेफ साइड 6 डिग्री तक टिल्ट कर लो। अब एग्जाम में इसमें ऑप्शंस आएंगे ऐसे, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री एंड 10 डिग्री। राइट आंसर विल बी 6, सेफ रहेगा 6 डिग्री। अरे एग्जाम में तुमको टेबल्स वगैरह देंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो, बिना टेबल्स के ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, वरना किसको किसको पता है टैन इनवर्स 0.1 की वैल्यू किसको पता है कि नहीं। इस बेसिस पे मैं एक और क्वेश्चन दूं क्या आप लोगों को? वैष्णवी सेइंग इफ रोड इज नॉट टिल्टेड, मतलब रोड इज नॉट बैंक्ड एंड देयर इज रेनिंग, देन व्हाट इज द सेफ वेलोसिटी। देखो अगर बारिश हो रही है, ठीक है, मैं हिमाचल में जब था ना तो मैंने एक चीज नोटिस की, जब भी बर्फ की बारिश होती थी ना तो ट्रैफिक पूरा बंद पड़ जाता था। क्यों? क्योंकि रास्ते पे इतना बर्फ हो जाता था कि गाड़ी चल ही नहीं पाती थी, पॉसिबल ही नहीं होता था। अगर फ्रिक्शन नहीं है अवेलेबल तो आप गाड़ी ही नहीं चला सकते। तो सेफ वेलोसिटी क्या सेफ होता है? गाड़ी चलती ही नहीं रास्ते पे, क्या करोगे? बिना फ्रिक्शन के गाड़ी चल ही नहीं सकती भाई। तो बर्फ की वजह से पूरा फ्रिक्शन डायरेक्ट जीरो। तो गाड़ी शुरू करोगे तो टायर्स जगह पे गोल 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 घूमेंगे, गाड़ी आगे जाएगी नहीं, ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है। तो बहुत ज़्यादा बारिश है और रास्ता बिल्कुल ख़राब है तो सही रहता है कि भाई थोड़ा रुक ही जाओ तुम। ओके, तो इसके बेसिस में मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, और क्वेश्चन में डायरेक्ट डिट्टो डिट्टो तो नहीं बोल सकते, लेकिन सेम कंसेप्ट पे दे रहा हूँ, ठीक है, सेम कंसेप्ट पे, लेकिन आपको ट्राई करना है और आपको इसमें सोचना पड़ेगा, यू विल हैव टू थिंक, सोचने के बाद ही इसका आंसर आएगा आप लोगों को। ओके, यूट्यूब वाले भाई सब लोग है क्या? चलो बोल देता हूँ फिर मैं। अरे बारिश का नाम लेते, बारिश बाहर लग रहा है, बारिश आने वाली है। गोपाल बोल रहे सर ड्यू टू हैवी रेन आई एम नॉट एबल टू डू द लेक्चर। इस बार तो यार बारिश काफी अच्छी हुई यार, कोरोना ने सारा मामला खराब कर दिया। मेरे को तो बारिश का मौसम बहुत पसंद रहता है यार, बारिश मतलब लाइफ लगता है बारिश में। नेटवर्क इश्यू आ रहा है बारिश की वजह से। हाँ बेटा, आपने अगर हिमाचल का एग्जांपल दिया, पर अगर वही रेनिंग हमारे यहाँ एरिया में हो रही तो फिर उतना बर्फ ना होगा ना, तब तो फिर तब कैसे होगा यहाँ पर? तब तुम स्लो 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 गाड़ी चलाओ ना, तो स्लो गाड़ी चलाते ना लोग, बारिश में भी चलाते ना, टर्न लेते वक्त स्लो टर्न लो सिर्फ, जब भी टर्न लेते हो तो स्लोली टर्न लो, तुम्हारी सेफ वेलोसिटी थोड़ी और कम हो जाएगी, सेफ वेलोसिटी थोड़ी और कम हो जाएगी। तो सेफली गाड़ी चलानी है तो कम, इसलिए बारिश में कम स्पीड पे गाड़ी चलानी चाहिए, हमेशा यूजुअल स्पीड से कम स्पीड पे। अब ये क्वेश्चन देखो, हाँ सोचो इस क्वेश्चन के बारे में। रेलवे ट्रैक इज टू बी डिजाइन दैट इज 1 मीटर वाइड। आपको तो पता है रेलवे का जो ट्रैक होता है वो 1 मीटर वाइड होता है, ठीक है। इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर एट सर्टन प्लेस इज लेट अस से 120 मीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। फाइंड द हाइट इन सेंटीमीटर बाय विच वन साइड ऑफ द ट्रैक इंग्लिश में कैसे लिखेंगे यार वर्डिंग। इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर एट सर्टन प्लेस 120 मीटर। फाइंड द हाइट इन सेंटीमीटर बाय विच वन साइड ऑफ द ट्रैक शुड बी क्या बोलेंगे इसको, रेलवे के ट्रैक का एक साइड ऐसे ऊपर करने का है, ऐसे एक साइड ऊपर करने का है, ये रेलवे का ट्रैक है उसका एक साइड ऊपर करने का है, तो कितने हाइट से ऊपर करने का है ये क्वेश्चन है। शुड बी मेड ऐसे लिख दो, चलो ये क्वेश्चन है।
सोचो और सोच समझ के सॉल्व करो। स्पीड ऑफ द ट्रेन दे रहा हूं मैं, स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड तो यूजुअली ज्यादा होती है, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन ले लो कितनी हो गए अपने यहाँ पे, पता है ट्रेन कितने स्पीड पे चलती है, एक्सप्रेस ट्रेन भी हो तो 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है। अभी तो नई ट्रेन आ गई है गतिमान एक्सप्रेस, तो उसका थोड़ा ज्यादा है, अपने यहाँ पे एवरेज स्पीड बहुत कम रहती है ट्रेन की, 50 60 70 किलोमीटर के ऊपर नहीं आती, मतलब एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे तो इंस्टेंटेनियस तो भाई 150 तक भी जा सकती कभी कभी स्पीड, अगर पूरा सामने कुछ भी नहीं है तो। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ, सोचो, मैं इसके लिए एक मिनट दे रहा हूँ आप लोगों को, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। हाँ समृद्ध ने राइट बोला, हैज टू बी लिफ्टेड अप, वेदिका बोल रही है, समृद्धि बोल रही है राइजन, हाँ राइट, 125 सेंटीमीटर, अरे 125 सेंटीमीटर कितना हो गया तुम समझ रहे हो क्या, 1 मीटर से ज्यादा हो गया वो। इसका मतलब ये रेडियस का बहुत कम हो गई ऐसा लग रहा है मेरे को, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया ये रेडियस बहुत कम हो गई, मतलब रेलवे ट्रैक ऐसे डिजाइन ही नहीं करना चाहिए इतने रेडियस पे, रेडियस कम रहनी चाहिए। आर यू श्योर? सोच सक 125 मीटर में आया है, सेंटीमीटर में और बढ़ाएंगे। 125 मीटर में आया ज्यादा हो गया ये क्या बोल रहा है, ट्रेन ऑफ डेथ रोन की थे कुछ भी बोलते हैं ये। ओके नॉट पॉसिबल, ओके मैं कैलकुलेट करता हूँ, रुको, ये थीटा है, वी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टैन थीटा, सो टैन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, तो वी इज इक्वल टू क्या है 90 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करो, 5/18 तो यह आएगा 25 मीटर पर सेकंड, करेक्ट है बेटा, यह आ गया 25 मीटर पर सेकंड, आप उसको वहां पे पुट करो, 25 का स्क्वायर आएगा 625, आर दिया 120, जी दिया 10, ये हो जाएगा 625 अपॉन 1200। तुम इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 6.25 अपॉन 12, 12 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0.5, 12 × 5 = 60 ला 2 × 4 = 12, 12 × 2 = 24 अप्रोक्सीमेटली ये आएगा, और टैन थीटा की वैल्यू क्या रहती, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट एल लेटस से, तो टैन थीटा मैं ऐसे बोल सकता हूँ अपोजिट एच अपॉन एल, तो एच अपॉन एल, तो एच की वैल्यू क्या आएगी 0.52 इंटू एल, एल तो 1 मीटर है, तो 0.52 इंटू 1 मीटर, तो 0.52 मीटर आएगा, मतलब 52 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, 52 सेंटीमीटर, ये भी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, 52 सेंटीमीटर हाफ मीटर हो गया, ये भी कुछ ज़्यादा ही होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, एक्चुअली इसका मतलब इस रेडियस पे गाड़ी को टर्न नहीं करना चाहिए, तुम्हारी रेडियस थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। मैं रेडियस को बढ़ा के एक काम करता हूँ, 400 मीटर कर देता हूँ, 400 मीटर करूँगा तो फिर क्या आएगा, ये आर को अगर मैं 400 कर दूंगा तो नीचे आएगा 400, तो नीचे हो जाएगा ये 4000, अब कितना आंसर आएगा देखो, तो 0.625 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 4 × 4 = 2 × 4 = 5 × 20 = 4 × 24 = 24, 0.156। हाँ अब इसका आंसर आएगा भाई, ये रीजनेबल आंसर है, ये रीजनेबल है, 0.156 मतलब 15.6 सेंटीमीटर, इतना तुमको ट्रैक को ऐसे टिल्ट करना पड़ेगा, ये राइट आंसर आएगा।
टेन थीटा की वैल्यू ये। समझे कि नहीं समझे भाई सब लोग? और किसी को दिक्कत है तो जल्दी बोलो मेरे को फटाफट, तब तक मैं यूट्यूब पे देखता हूँ क्या कमेंट। सर हाँ बेटा। सर ये जो आया 0.156 जो आया है वो एकदम एंड टू एंड आया है ना? मतलब एंड टू एंड, मतलब देखो ये तुम्हारा ट्रैक है ऐसा, ये वाला ट्रैक है, तो ट्रैक ऐसे जनरली फ्लैट होता है ना, ऐसे रस्ते पे ट्रैक ऐसे फ्लैट होगा ना, तो तुमको फ्लैट नहीं करने का ट्रैक, ट्रैक को ऐसा एक साइड से थोड़ा सा ऊपर उठाने का ऐसे। ट्रैक की विड्थ क्यों ऐड करोगे बेटा रेडियस में? ट्रैक ऐसा होना चाहिए, तो थीटा एंगल से थोड़ा सा ट्रैक ऐसा कर दिया ना, टिल्ट कर दिया तुमने। सर हमने आर 120 लिया है ना, वो रेडियस अपने ये जो रेडियस है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये ट्रैक की रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सर तो फिर वो हाइट वो रेडियस के हिसाब से उतना ऊपर आएंगे? अरे नहीं नहीं, ये रास्ते की रेडियस है ना रे बेटा, रास्ते की रेडियस है, रास्ता ऐसा ऐसा जा रहा है ना, वो उसकी रेडियस है ये, सर्कल के रास्ते की सर्कुलर, जैसे ट्रेन टर्न ले रही है ना, तो जिस सर्कल में ट्रेन टर्न ले रही है ट्रेन इसके ऊपर आएगी ना ऐसे, ट्रेन इसके ऊपर होगी ऐसी, इसके ऊपर ट्रेन होगी, ट्रेन के डिब्बे इसके ऊपर होंगे ऐसे, समझ रहे हो क्या? Okay. समझा कि नहीं समझा? हाँ समझा सर। नहीं समझा? नहीं समझा है लेकिन वो डाउट है मेरे माइंड। अरे बोलो बोलो, डाउट क्लैरिफाई करते ना। देखो सर, मतलब मेरा कहना ऐसा था कि ये जो 0.15 जो ऊपर आया है वो रेडियस से उतना ऊपर आया है? नहीं नहीं, ग्राउंड से, ग्राउंड से, ग्राउंड से ये जो आया ना, ये 15.6 सेंटीमीटर, ये ग्राउंड से इसको थोड़ा सा ऐसे थोड़ा ऊपर लिफ्ट करने का, इसको एक साइड को। मतलब मैं कह रहा था कि आप रेडियस है ना उसको एक्सटेंड कीजिए एकदम एंड तक। तुम बोल रहे हो कि ये ऐसे यहां तक एक्सटेंड करो? हाँ मैं बोल रहा हूँ इतना वो ऊपर ऐसा। तो ये 400 मीटर रेडियस है, तो तुम बोल रहे हो कि तुम 401 ले लो। हाँ। ये वाला 1 मीटर भी ऐड कर लो। हाँ। वो क्या 400-401 में ज्यादा फर्क नहीं ना बेटा, 400 में और 401 में ज्यादा फर्क नहीं है। मैंने वैसे ही किया था ना, फिर मैंने वही पूछा आपसे। अच्छा वही पूछ रहे थे क्या? नहीं बेटा, 400 और 401 में ज्यादा फर्क नहीं है, तो वो इतना मैटर नहीं करेगा ना वो डिफरेंस, है कि नहीं? यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया, ये h था और ये l, तो मैंने tan थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एल कर दिया। वैसे एक्चुअली मुझे tan थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो विड्थ है ना l, वो विड्थ ये वाली विड्थ आनी चाहिए बेसिकली, ये वाली। तो ये ऐसा ट्रायंगल है ना ये, तो ये विड्थ है ट्रैक की, क्योंकि जो पहिए होंगे ट्रेन के, एक पहिया इसके ऊपर होगा, एक दूसरा पहिया इसके ऊपर होगा, ठीक है? तो जो थीटा एंगल आएगा वो ये आएगा, ये एच है। तो वैसे देखा जाए तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए, साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एल, बट बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल मैं साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा बोल सकता हूं, इसलिए मैंने फिर डायरेक्टली tan थीटा इज इक्वल टू h बाय l ले लिया। तो इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? वैष्णवी भी वही बोल रही है कि सर रेडियस में विड्थ ऐड होनी चाहिए, लेकिन बेटा 400 में एक का फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं ना, 400 हो या फिर 401 हो, एक ही हो जाएगा वो। ओके अंडरस्टूड एवरीबॉडी? समझे? तो कभी भी कर सकते हैं, मतलब थीटा कम होगा तो साइन थीटा इज एप्रोक्सीमेटली इक्वल। हाँ, जब थीटा स्मॉल होगा तब साइन थीटा और थीटा की, यूजुअली तब करो जब 10 डिग्री से कम होगा, 10 डिग्री से कम होगा यूजुअली, जब तक कर सकते जब तक थीटा तुम्हारा 10 डिग्री से कम है ना, तब तक साइन थीटा इज एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा इज एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इन रेडियन, ये वैलिड है, और ये अपन फिजिक्स में बहुत बार यूज भी करते हैं। वैसे जब थीटा स्मॉल होता है ना, तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा कर देते हैं, ऐसा बहुत बार करते भी है अपन।
ओके चलो, तो चलो फिर इसके आगे चलते। अभी मैं बात करने वाला था कि अगर फ्रिक्शन और एंगल ऑफ बैंकिंग दोनों प्रेजेंट है तो फिर क्या करने का, फिर से वेलोसिटी क्या होगी। फिर इस केस में से वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी ना, है कि नहीं। अगर एंगल ऑफ बैंकिंग, इफ एंगल ऑफ बैंकिंग एंड फ्रिक्शन बोथ आर प्रेजेंट, इफ एंगल ऑफ बैंकिंग एंड फ्रिक्शन बोथ आर प्रेजेंट, अब इस केस में क्या होगा। देखो डायग्राम कुछ ऐसी आएगी, एंगल ऑफ बैंकिंग भी है तो रोड थोड़ा सा ऑलरेडी टिल्टेड भी है, ठीक है, थीटा एंगल से। तो यहां पे जो आपका व्हीकल होगा, ये व्हीकल का डायग्राम ड्रॉ करता हूं मैं, व्हीकल थोड़ा टिल्टेड होगा ऐसा, व्हीकल के ये पहिए। यहां पे अभी आपकी नॉर्मल रिएक्शन तो ऐसी आएगी, इसका एक कंपोनेंट ऐसा आएगा इधर एन कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा है, एक कंपोनेंट इधर आएगा एन साइन थीटा। अब यहां पे फ्रिक्शन भी आएगा भैया, फ्रिक्शन भी आएगा क्योंकि अभी फ्रिक्शन भी है ना, ठीक है। तो आपको फ्रिक्शन का भी रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन का इधर रिजोल्यूशन आएगा एफ कॉस थीटा और इधर रिजोल्यूशन आएगा एफ साइन थीटा। आपका जो वर्टिकल एम जी फोर्स है वो तो ग्रेविटी का है ही, ओके। और आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको तो आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि वही सारे इसकी जड़ है, सब बेसिक तो वही है, एम वी स्क्वायर बाय आर। अब आप वर्टिकल बैलेंस करो और हॉरिजॉन्टल बैलेंस करो। अगर आप वर्टिकल बैलेंस करते हो, ध्यान दो सब लोग, मेरे साथ लिखना चाहते हो तो मेरे साथ लिख भी सकते हो। देखो डायग्राम देखनी, डायग्राम देख लो ठीक से। वर्टिकल बैलेंस में क्या होगा, यन कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी, ये डाउन है ये अप है, ये हो जाएगा यन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये आ जाएगा आपका इक्वेशन नंबर वन। ध्यान दो एवरीबॉडी, पे अटेंशन वेरी केयरफुली, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये वर्टिकल बैलेंस किया मैंने, यहां पे एंगल ऑफ बैंकिंग भी है थीटा और यहां पे फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है, दोनों है। अब हॉरिजॉन्टल बैलेंस करो, हॉरिजॉन्टल में ये फोर्स है और ये वाला फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल बैलेंस क्या होगा, हॉरिजॉन्टल बैलेंस हो जाएगा देखो एफ कॉस थीटा प्लस यन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये आएगा आपका इक्वेशन नंबर टू। ये दो इक्वेशन आ गए। अब इन दो इक्वेशन से आप सेफ वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, जब दोनों भी है, एंगल ऑफ बैंकिंग भी है और फ्रिक्शन भी है। तो डिवाइड इक्वेशन टू बाय वन, तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर अपॉन एम जी, देखो भाई इज इक्वल टू ये क्या है, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा डिवाइड बाय ये क्या है, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ये दिख रहा है क्या सब लोगों को, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा। साक्षी, हर्षाली, ईशा, अरे बहुत से लोग डिस्कनेक्ट हो, नो ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना बेटा। सर, हाँ, तो ये डेरिवेशन आएगा आपका, ये दो इक्वेशन आ गए, मैंने एक से दूसरे को डिवाइड किया, इसमें एम और एम कैंसल, वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू एन साइन थीटा, और फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एन, तो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन पुट करो, म्यू एन कॉस थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा। अब ये देखो यहाँ पे एन 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 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा पूरा, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर भी, एन कैंसिल हो गया, तो फाइनली आएगा ये साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी। तो आर जी को उधर लेके जाओ और ब्रैकेट में देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस से डिवाइड करो, दोनों को कॉस से, न्यूमरेटर में डिवाइड करोगे साइन बाय कॉस
टेन थीटा, कॉस बाय कॉस कैंसिल हो जाएगा, म्यू बचेगा बस, अपॉन कॉस बाय साइन, नहीं सॉरी कॉस बाय, नीचे भी कॉस से डिवाइड करने का है, वन माइनस, और इसको भी कॉस से डिवाइड करो, तो साइन बाय कॉस इज टेन थीटा, तो अल्टीमेटली आंसर आता है आपका अंडर रूट, ये आएगी आपकी मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी इन दिस केस। समझे कि नहीं समझे? ईशा इज रिमाइंडिंग मी कि सर टाइम हो गया, बेटा मुझे याद है लेकिन मैं डेरिवेशन बीच में छोड़ नहीं सकता, तो चलो ये डेरिवेशन समझा कि नहीं समझा, देखो भाई फटाफट, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी इन ब्रैकेट टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। वैद्य ही इज आस्किंग क्यों डिवाइड किया, क्योंकि मुझे टेन चाहिए था वहां पे, इसलिए इसलिए न्यूमरेटर को भी कॉस से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी कॉस से डिवाइड किया। ओके, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला, और दो साल पहले नीट के एग्जाम में ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया था एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट सेफ वेलोसिटी ऑन ए बैंक रोड हैविंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू, और सीधा नीचे ये फॉर्मूला था। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी इन ब्रैकेट म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। इस डेरिवेशन के थ्रू जाओ, ये डेरिवेशन आपके बोर्ड में भी है तो बोर्ड के एग्जाम में भी ये डेरिवेशंस आते हैं। तो मैंने आपको तीन डेरिवेशन बताए सेफ वेलोसिटी के, तीन डेरिवेशन कौन से सेफ वेलोसिटी के, ये लेक्चर भी मैं अपलोड कर दूंगा, इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी, और ये पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगा फिजिक्स फोरम नोट्स पे। तो सेफ वेलोसिटी फॉर व्हीकल taking turn on a road, taking turn on road, तो यहाँ पे तीन फॉर्मूले हैं और तीनों के डेरिवेशन आपको मैं तो कहता हूं कि दो दो बार आप खुद डेरिवेशन करके देखो। एक when there is friction, there is only friction, जब सिर्फ friction होगा तो v equal to under root mu rg आएगा, सिर्फ friction होगा तो when there is only banking of road, सिर्फ banking of road होगा तो under root rg tan theta आएगा, and when there is banking of road also and friction also, when there is both friction एंड एंगल ऑफ बैंकिंग दोनों होंगे तो उस केस में सेफ वेलोसिटी इन दोनों से भी ज्यादा आएगी, तो वो आएगी अंडर रूट आर जी इन ब्रैकेट म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। ये तीन फॉर्मूले है वेन देर इज बोथ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ बैंकिंग, तो ये आपकी सेफ वेलोसिटी आएगी, और तीनों डेरिवेशन दो दो बार करने, यही आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, राइट, ये होमवर्क है आपका, ऑल थ्री डेरिवेशंस ट्वाइस इन योर नोटबुक, आपके नोटबुक में ये डेरिवेशन आपको खुद करने, एक बार देख के करो एक बार बिना देख के करो, यही आपका आज का होमवर्क है। समझे क्या सब लोग? अंडरस्टूड? और आपका टेस्ट संडे को होगा, ओके, देर इज अ टेस्ट ऑन संडे, डीपीपी का मैं देखता हूं बेटा, ठीक है, लेकिन ये होमवर्क नोट कर लो, ये आपको करना ही करना है, ये तीनों के डेरिवेशंस आपको खुद को करने आने चाहिए। आज अपन यहीं पे रुकेंगे, सो स्टे सेफ एंड स्टे इनडोर, एंड रोहन इमीडिएटली लेक्चर खत्म होते ही पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा, डोंट वरी। ओके, गुड डे एवरीबॉडी, चलो आपका अभी नेक्स्ट लेक्चर भी होगा शायद, आज अपन यहीं पे रुकेंगे।